वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन ये हम पढ़ रहे हैं, और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसका आज हम पार्ट टू डिस्कस करेंगे, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक होने वाला है। अब आपको समझ में तो आ ही गया है कि हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे और एप्लीकेशन कहाँ पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे इसका हम यस मेडिसिन में। वॉइस वगैरह क्लियर है, बढ़िया है, अच्छा है। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये है सेकंड पार्ट इस चैप्टर का और एकदम कॉन्सिक्वेंटली हम चलते रहेंगे। शुरू से लास्ट तक आप बने रहिए, जहाँ भी क्वेश्चन हो उसको नोट करिए और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं उसका आंसर देता रहूँगा। शुरू करें फिर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन, ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। शुरुआत करते हैं इस डिस्कशन का। सबसे पहला है ये क्वेश्चन यहाँ पे जो सामने हमारे है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो इंसुलिन है, क्या उसको ओरली हम ले सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, या सिर्फ इंजेक्शन में ही यूज करेंगे, है ना। देखिए, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन GEI अब तक का ये एकमात्र ऐसा हार्मोन है या मेडिसिन का ये जो भी है, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है, और नो डाउट मानवता की भलाई के लिए होगा। कल हम लोगों ने बात किया था कि जिसका फ़ायदा सोसाइटी को नहीं मिल रहा है वो किसी काम का है नहीं, मतलब कि जब तक सोसाइटी को फ़ायदा हुआ नहीं तब तक ये बायोटेक्नोलॉजी कह लीजिए या वट एवर जो भी टेक्निक्स हैं ये किसी काम के नहीं है। रिसर्च हमेशा ह्यूमैनिटी को टू इंजीनियर द इंसुलिन, यानी जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन GEI। ओके, इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या है? इंसुलिन का मेन फंक्शन होता है ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना, ये इसका मेन पर्पस होता है। ये तो आपको समझ में आता है। अब ये जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है ये कंट्रोल होता है इंसुलिन के सिक्रेशन से। कई बार क्या होता है कि पैंक्रियाज से इंसुलिन का सही से सिक्रेशन नहीं होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है, और इंसुलिन का अगर लेवल कम हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा, फिर कई तरह की बीमारी होगी, और इसको हम सामान्य भाषा में शुगर की प्रॉब्लम कहते हैं, चीनी रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? शुगर प्रॉब्लम या चीनी की प्रॉब्लम कहते हैं, और मोर साइंटिफिकली कहें तो डायबिटीज मेलाइटिस। ओके, इसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें इंसुलिन मिले, चाहे वो बाहर से मिले या क्या बोलते हैं हमारी बॉडी सही तरीके से बनाए। अब देखिए, बॉडी सही तरीके से नहीं बना पा रही, इसीलिए तो हमें बाहर से लेना है, लेकिन बाहर से लेने में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? बाहर से लेने का मतलब है कि फ्रॉम द अदर सोर्सेज देन द ह्यूमन बीइंग। तो अदर सोर्सेज में कौन हो सकते हैं? नॉर्मली एनिमल्स होते हैं। अब एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स हैं? स्लॉटर हाउस से पिग्स वगैरह मिलते थे और पिग्स से इंसुलिन निकाला जाता था, पिक्स का इंसुलिन यूज़ किया जाता था, समटाइम्स काउज होते थे उनकी इंसुलिन को यूज़ करते थे। अब देखिए, पिक्स और काउज के इंसुलिन को यूज़ करना ठीक है, जान बचाने के लिए आदमी कुछ भी करता है, लेकिन ये कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करता था। क्यों? कैसी बात है, ह्यूमन बींग का तो है नहीं है इंसुलिन, बन तो किसी और बॉडी में रहा है, तो कई बार ये हिस्टोकंपैटिबिलिटी फैक्टर क्रिएट करता था, कई बार ये इरिटेशन कॉज करता था, और इस तरह से आप जानते हैं कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से बॉडी में डिफरेंट इम्यून रिस्पॉन्सेस पैदा कर देता था, जिसकी वजह से कुछ लोगों को फ़ायदा होता था और कुछ लोगों को हद से ज़्यादा नुकसान होता था, और भी बहुत सारे डिजीज़ साथ में बन जाती थी, खासकर इम्यून रिस्पॉन्सेस के जरिए। तो इस आइडिया को धीरे धीरे पुट किया गया, इसे एक साइड रखा गया। दूसरी बात कि ये पिग और काउज के सोर्सेस से बनते थे, तो कुछ लोग इसको खाना पसंद बिल्कुल नहीं करते थे, क्योंकि खाना मतलब कि इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता था, कुछ लोग इसे बिल्कुल। दो, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये यहीं पे पढ़ लेते हैं।
वुड द इंसुलिन आइसोलेटेड फ्रॉम अदर एनिमल्स बी जस्ट एज इफेक्टिव एज दैट सिक्रेटेड बाय द ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ एंड वुड इट एलिसिट एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द ह्यूमन बॉडी. सो यू कैन से दैट यस दे आर इफेक्टिव बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स ऑल्सो. दे आर इफेक्टिव नॉट लाइक दैट बट यस दे आर इफेक्टिव बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स. और खासकर यहाँ पे पूछा है कि क्या वो इम्यून रिस्पॉन्सेस को नहीं बढ़ावा देगा. बिल्कुल ऐसा होता है ना. इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटीज वॉज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पैंक्रियास ऑफ स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग्स. और इसीलिए कुछ लोग उसको बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहते थे. बहुत महंगा भी होता था. जेनेटिक इंजीनियरिंग ने इसको कर दिया बहुत ही आसान, बहुत ही सस्ता बना दिया. इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स दो कॉज्ड सम पेशेंट टू डेवलप एलर्जी और अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन टू फॉरेन प्रोटीन्स. और इसीलिए ये बहुत अच्छा तो नहीं हुआ. ओके, इसीलिए हमें जरूरत पड़ी जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की. ऐसा इंसुलिन जो किसी एनिमल सोर्स से ना हो. देखिए इतना आसान हुआ नहीं होगा. अभी कुछ 20-30 साल पहले इसकी सही से मार्केटिंग होनी शुरू हुई है. नाउ अनदर क्वेश्चन इज हियर. थिंक अबाउट वेदर इंसुलिन कैन बी ओरली एडमिनिस्टर्ड टू द डायबिटिक पीपल और नॉट. व्हाई? ये कह रहा है कि जो डायबिटिक पीपल हैं जिनको डायबिटीज हुआ है उनको क्या हम इंसुलिन ओरली यानी मुंह से डाल सकते हैं? आप सोच के बताइए. नहीं. क्यों? क्योंकि आपको पता है इंसुलिन का नेचर कैसा है. प्रोटीनियस है. कैसा है भाई? प्रोटीन का बना हुआ है इंसुलिन. और हमारी बॉडी में प्रोटीन डाइजेशन करने वाले खूब ढेर सारे एंजाइम्स हैं. यानी जाहिर सी बात है कि इस ये जो प्रोटीन का सीक्वेंस बना होगा एमिनो एसिड के बीच में से कोई ना कोई ऐसा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होगा जो उस सीक्वेंस को कट कर दे. इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहने वाला. नो लॉन्गर इट विल बी अ फ्रूटफुल थिंग. इज इट क्लियर? समझ में आ गया ना? तो इसलिए इंसुलिन कैन नॉट बी ओरली एडमिनिस्टर टू द डायबिटिक पीपल बिकॉज हॉर्मोन्स कैन बी दिस पर्टिकुलरली या आप कह सकते हैं कोई भी प्रोटीन हॉर्मोन कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बाय आवर डाइजेस्टिव एंजाइम्स. तो इस तरह से ये फ्रूटफुल तो रहेगा नहीं. ओके, अब आ जाते हैं हम पर्टिकुलरली इंसुलिन की चर्चा कर लेते हैं. ठीक है, और इसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई उसको भी समझते हैं. इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स जिसमें कि चेन ए है और चेन बी है. देखिए मैच्योर इंसुलिन जो होता है, मैच्योर इंसुलिन में दो चेन होते हैं, चेन ए एंड चेन बी. और ये दोनों चेन मिलकर के मैच्योर इंसुलिन बनाते हैं. मैच्योर मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक्चुअल में जो इंसुलिन होता है वो प्री प्रो कंडीशन में बाहर निकलता है. ठीक है ना? यानी जो हम बनता है इमेच्योर फॉर्म में, प्री प्रो फॉर्म में बाहर निकलता है, फिर वो प्री फॉर्म हटता है तो प्रो हार्मोन के फॉर्म में रहता है, फिर वो भी एक्टिवेट होता है. और प्री प्रो फॉर्म में क्या होते हैं कि ए बी और सी तीन चेन्स होते हैं जिसमें से जो सी पेप्टाइड की चेन होती है किसी काम की नहीं होती है. स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे एक्स्ट्रा स्ट्रेच प्रेजेंट होता है, उसको हटाना पड़ता है और ए और बी को साथ में रख के जोड़ना पड़ता है ना, डाइसल्फाइड ब्रिजेस के थ्रू इसको जोड़ना पड़ता है. ये काम हमारी बॉडी बहुत ही अच्छे से कर पाती है, बहुत 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 अच्छे से कर पाती है. लेकिन लेकिन प्रॉब्लम बस यहीं पे है. अगर आर्टिफिशियली किसी तरह से हम केवल ए और बी को बनाएं और वही सीक्वेंस जो ओरिजिनल यानी जो कि नेचुरल इंसुलिन में होता है वही सीक्वेंसेस अगर हम रख पाते हैं, है ना, एंड देन इफ वी डू इट विद वेरी ईज, बहुत आसानी से कर पाएं और साथ ही साथ मल्टीपल कॉपीज मिलें, बिलियंस ऑफ कॉपीज आर देयर, बिल्कुल अब ये प्रोसेस पॉसिबल हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू. क्योंकि हमारे पास पीसीआर है, पीसीआर के थ्रू इसका कई गुना हम करा सकते हैं इसके जीन का. और सिर्फ ए और बी चेन को हम क्रिएट करेंगे और ए और बी चेन को
डाइसल्फाइड ब्रिजेस के थ्रू जोड़ेंगे, जिससे कि सी पेप्टाइड को बनाने का झंझट भी नहीं रहेगा और शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें इंसुलिन मिलेगा। तो इस तरह से कॉस्ट इफेक्टिव इंसुलिन बनेगा। आज जो मार्केट में इंसुलिन आपको मिलता है इंजेक्शन में और इतना सस्ता मिलता है, वो इसी वजह से इस बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हो गया है और कई गुना कॉपी जब हम तैयार कर लेते हैं कम से कम समय में। ओके, इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो हार्मोन, जैसे कि प्रो एंजाइम होते हैं, है ना। और इनको अपना फंक्शन करने के लिए पहले इनको फुली मैच्योर होना पड़ेगा, तब जाके ये फंक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट हो पाते हैं। ओके, नाउ द प्रो हार्मोन कंटेन्स एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड सी पेप्टाइड। अब ये जो सी पेप्टाइड है, आगे हम देखेंगे इसको, इस सी पेप्टाइड का कुछ खास यहाँ पे यूज है नहीं। दिस सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन एंड देयरफॉर इट मस्ट बी रिमूव्ड ड्यूरिंग द मैच्योरेशन इनटू द इंसुलिन। प्रो इंसुलिन को इंसुलिन में कन्वर्ट होना है तो सी पेप्टाइड को हटाना ही पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है ना? Is it clear? Okay, good, good, very good. The main challenge for the production of insulin using rDNA technique was getting insulin assembled into mature form. ABC form में बना दिया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर इसको ना असेंबल करना है, A और B को रखना है, C को हटाना है। So यहीं पे एली लिली एक अमेरिकन कंपनी है, 1983 में आती है। उसने दो डीएनए सीक्वेंसेस को रीड किया जो ए और बी पेप्टाइड्स को बनाते थे, और इस तरह से उस पर्टिकुलर सीक्वेंस का यूज करके इन्होंने ए और बी चेन को केवल बनाया, है ना। और उस ए और बी चेन को बनाने के बाद उसको आर्टिफिशियली कॉम्प्लीमेंट्री, जहां से ये इनके बॉन्ड्स बनते थे आपस में डाइसल्फाइड ब्रिजेस, वहां से आर्टिफिशियली इसको डाइसल्फाइड ब्रिजेस के थ्रू जोड़ दिया, कंबाइन कर दिया। मिरेकल, जादू हो गया। यानी यहां के बाद से इस स्टोरी, ये जो एली लिली कंपनी है, यहां के बाद से जो इसने प्रोसेस किया, बायोटेक्नोलॉजी में एक बहुत ही बड़ा उछाल आया। किस लिए? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाने के तरीके में। और इस तरह से जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनने शुरू हुए और आज जिस अमाउंट में बनते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव बनने लगे हैं, वो उसकी इनोवेशन के आगे की कहानी है, है ना। सो दिस कंपनी प्रिपेयर्ड टू डीएनए सीक्वेंसेस करस्पॉन्डिंग टू द ए एंड बी चेन्स ऑफ द ह्यूमन इंसुलिन एंड इंट्रोड्यूस देम इन प्लाज्मिड्स ऑफ ई कोलाई टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन्स। अभी ये अलग अलग हैं, चेन ए एंड चेन बी वर प्रोड्यूस्ड सेपरेटली, इनको एक्सट्रैक्ट किया, है ना, एंड देन कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन, और इस तरह से ह्यूमन इंसुलिन बनके तैयार हो गया। अब इस स्टोरी में आपको अच्छे से दिख पाएगा कि यहां पे है प्री प्रो इंसुलिन, प्री प्रो इंसुलिन, अच्छे से दिख पा रहा है, है ना। यहां पे है प्री प्रो इंसुलिन। तो यहां पे जो प्री प्रो इंसुलिन है, आप देख रहे हो बी चेन, यहां सी चेन, यहां ए चेन, ए और बी की जरूरत है, सी को बाहर निकलना है, ठीक। प्री प्रो इंसुलिन का ट्रांसलोकेशन होगा इनमें सीक्वेंसेस, नेसेंट प्रो इंसुलिन बनेगा और प्री रीजन यहां से कट के बाहर हो जाएगा। बिल्कुल, जब भी प्री प्रो कंडीशन में कोई हार्मोन बनता है तो सबसे पहले इसका प्री पार्ट इससे बाहर निकलता है मैच्योरेशन की प्रोसेस में। अब ये नेसेंट है, नेसेंट का मतलब जो न्यूली फॉर्म्ड होते हैं, नवजात हिंदी में कहते हैं उसको, उसको क्या कह देते हैं, नवजात, जो अभी अभी पैदा हुआ हो, है ना। नेसेंट का मतलब ही होता है न्यूली फॉर्म्ड, नवजात। तो नेसेंट प्रो इंसुलिन बन गया। अब ये जो प्रो इंसुलिन है, इसमें ये जो सी वाला पार्ट आप देख रहे हैं, बस इसको बीच में से हटाना है, ठीक है। तो ई आर मेडिएटेड ऑक्सीडेटिव फोल्डिंग, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेडिएटेड। अब इसमें देखो, ए और बी चेन ये जो फोल्ड हुआ है, नेचुरल तरीके से ऐसा ही होता है, ठीक। तो ए और बी चेन आपस में फोल्ड होके इन्होंने डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनाए। अब ये रेडी हैं अपना फंक्शनल फॉर्म गेन करने के लिए। यहां से सी पेप्टाइड कट के अलग होता है, तो ट्रांस गॉल्जी प्रोसेसिंग में क्या होता है कि सी पेप्टाइड को अलग कर दिया जाता है,
और जो ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस से बने हुए ए और बी स्ट्रैंड, से ऊपर वाला ए है और ब्लू वाला बी स्ट्रैंड है यहां पे। नाउ दिस इज फंक्शनल इंसुलिन। ये क्या है? ये एक फंक्शनल इंसुलिन है। अब ये रेडी है फंक्शन करने के लिए। तो एली लिली कंपनी ने क्या किया, एली लिली कंपनी ने सीधे सीधे ए और बी को बनाना शुरू किया और फिर सिंथेटिक फॉर्म से, सिंथेटिक तरीके से, मतलब इन विट्रो कंडीशंस में ही डाइसल्फाइड ब्रिजेस को इस तरह से क्रिएट किया, एक मैच्योर इंसुलिन बनाना शुरू किया रदर देन यूजिंग द स्टेप वाइज प्रोसेसिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता आर्टिफिशियल तरीकों से बनाने के लिए। तो आर्टिफिशियल तरीके में डायरेक्टली पना बनाया इंसुलिन यूज़ किया गया, जिसमें नंबर ऑफ सीक्वेंसेस, नंबर ऑफ एमिनो एसिड एंड डाइसल्फाइड ब्रिजेस की पोजीशन सब कुछ पहले से डिसाइडेड थी। जैसे ए चेन में 21 एमिनो एसिड, बच्चों इसको नोट करते रहिएगा, ये आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, बीएससी, एमएससी, सीएसआईआर, टीजीटी, पीजीटी, हर एग्जामिनेशन के लिए सुपर डुपर डिमांडेबल टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं, है ना, ये आपको याद होना ही चाहिए, इसका कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं। ओके, चेन ए में 21 अमीनो एसिड्स बनते हैं। 21 अमीनो एसिड्स में अगर आप ये देख पा रहे हो, सिस्टीन, सिस्टीन में सल्फर होते हैं, है ना, सो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 सिक्स्थ पोजीशन पे यहाँ पे सिस्टीन है, सेवन्थ पोजीशन पे यहाँ पे सिस्टीन है, ओके, देन 8, 9, 10, 11 इलेवेंथ नंबर पे यहाँ पे सिस्टीन है। अब सिक्स्थ और इलेवेंथ के बीच में जो सल्फर होते हैं वो आपस में बॉन्ड्स बना लेते हैं, तो यहां पे बन गया एक डाइसल्फाइड ब्रिज। ठीक इसी तरह से ये जो सीक्वेंस है टोटल 21 अमीनो एसिड की है, और आप देख पा रहे हैं कि पोजीशन नंबर 20 था, अमीनो एसिड नंबर 20 भी यहां पे सिस्टीन होता है, तो यहां पे सल्फर होएगा। अब ये हो गया चेन ए, नीचे होता है चेन बी इंसुलिन का। इंसुलिन के चेन बी में 30 अमीनो एसिड, टोटल कितने होते हैं 30 अमीनो एसिड्स होते हैं, 30, ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेवेंथ जो सीक्वेंस है वो 16 है, तो ऊपर से भी 7, नीचे भी 7, ये बिल्कुल आमने सामने होंगे और ये बनाएंगे फिर से आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज। ठीक है, इसी तरह से आप आगे बढ़ते चले जाइए, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 सो दिस इज सीक्वेंस नंबर 19, जहाँ पे कि 16 है, चेन बी के सेवेंथ और 19th पोजीशन पे 16 है और 19th का 16 ऊपर चेन ए के 20 नंबर पे 16 से एक फिर से डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह से डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनते हैं और ये एक मैच्योर इंसुलिन है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर इंसुलिन। मैच्योर इंसुलिन बन के जब रेडी हो जाता है तो इसकी, अब भाई मल्टीपल कॉपीज बनी है, इसको रेडी किया, रेडी करने के बाद इसको चेक किया कि क्या ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, क्या ये एकदम परफेक्ट है। अगर ये परफेक्ट है, अगर ये सही काम कर रहा है, तो फिर इसको मार्केट करने के लिए हम इसकी प्रोसेसिंग कर देते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से डायरेक्टली ऐसा किया जा सकता है कि ये सीक्वेंसेस हम डायरेक्टली बनाए बिना किसी प्री प्रो कंडीशन के डायरेक्ट, और इन सीक्वेंसेस को बिल्कुल उसी कंडीशन, उसी तरीके से जोड़ें जैसे कि नेचुरल इंसुलिन में होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये याद रहेगा कि एक इंसुलिन, एक मैच्योर इंसुलिन में टोटल 51 अमीनो एसिड होते हैं, चेन ए में 21 अमीनो एसिड होते हैं, चेन टू में 30 अमीनो एसिड होते हैं, चेन ए और बी के बीच में सेवेंथ पोजिशन पे दोनों तरफ से अगर चलें, ए और बी दोनों में, तो 16 होता है जिनमें सल्फर होते हैं और फिर वो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स या ब्रिजेस का निर्माण करते हैं। अच्छे से एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट जो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन आता है मेडिकल इंडस्ट्री में वो है जीन थेरेपी का। वो एप्लीकेशन किसका है बेटा? वो है जीन थेरेपी का, कि कैसे जीन थेरेपी का यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, अब जीन थेरेपी आ ही जाता है तो जीन थेरेपी से नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये क्या है। जीन थेरेपी यानी ऐसी थेरेपी जिसमें हम पर्टिकुलरली किसी जीन को टारगेट करेंगे, यानी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को टारगेट करेंगे, उस सीक्वेंस में चेंज कर देंगे। मान लीजिए कि किसी वजह से, किसी कारण से, बाई एनी हाउ, द ओरिजिनल एंड
real sequence of the human genome can be altered and due to which diseases takes place. If by anyhow we are able to detect that this is a problem due to particular gene और वो particular gene कहाँ पे present है, अगर हमें ये पता चलता है तो now we are trying to reverse that change. वो जो mutation हो गया उसको reverse करने की कोशिश करेंगे, या अगर ऐसा नहीं होता तो उसे हम cut करके original sequence, जैसा कि bioinformatics की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि original sequence क्या है. Human Genome Project इसी में तो काम करता है हमारे लिए, है ना. तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इसीलिए हमारे लिए फायदेमंद है. अब हमें हेल्दी ह्यूमन बींग के हर एक जीन सीक्वेंस के बारे में पता है, तो उस जीन सीक्वेंस को रीड करेंगे, ओरिजिनल सीक्वेंस क्या होना चाहिए उस ओरिजिनल सीक्वेंस को हम पुट करने की कोशिश करेंगे. मेरे ख्याल से यह आपको समझ में आ रहा होगा कि जीन थेरेपी में नॉर्मली हम क्या करते हैं, जीन को चेंज करते हैं, है ना. चलिए क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं. इफ अ पर्सन इज बॉर्न विद अ हेरिडिटरी डिजीज, कैन अ करेक्टिव थेरेपी बी टेकन फॉर सच अ डिजीज. ऑलरेडी पैदा ही जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ हुआ, हेरिडिटरी प्रॉब्लम के साथ हुआ है, क्या उसका भी परिवर्तन किया जा सकता है? जवाब है हाँ, किया जा सकता है, थोड़ी मेहनत तो लगेगी. हालांकि जब ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में हो जाएगा तो इसका यूज हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं. दूसरी बात, जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी. अगर अर्ली चाइल्डहुड या एम्ब्रियोनिक स्टेज पे पता चल जाए तो इसका हम बहुत अच्छे से चेंज कर सकते हैं. और हाँ, ये अब किया जा सकता है. जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स That allows correction of a gene defect. Gene therapy is a collection of methods that allows correction of a gene defect that has been diagnosed in a child or embryo. तो पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे आप सभी लोग कि कहाँ पे चाइल्ड या एम्ब्रियो में. जैसे जैसे बॉडी आगे बढ़ेगी ना, इसको क्योर कर पाना, मतलब आप कह सकते हैं कि ये कभी भी 100% फिर क्योर नहीं हो सकता. नो, दिस इज नॉट पॉसिबल. इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन इट इज डायग्नोस्ड एज अर्ली एज पॉसिबल ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट और ड्यूरिंग चाइल्डहुड या नेसेंट के अंदर अगर चेक हो जाए तो. हियर जीन्स आर इंसर्टेड इनटू अ पर्सन्स सेल एंड टिश्यूज टू ट्रीट अ डिजीज. यहाँ पे सीधे सीधे हम ऐसे जीन को इंसर्ट करेंगे जो कि उस जो हेरिडिटरी डिजीज है उसको काउंटर कर सके. डायरेक्टली हमें ऐसे जीन सीक्वेंसेस को ही एंटर करना होगा जो कि उस पहले से प्रेजेंट हेरिडिटरी डिजीज को काउंटर किया जा सके. नाउ करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ अ नॉर्मल जीन इनटू द इंडिविजुअल और एम्ब्रियो टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ एंड कंपनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन. देखिए वही बात है कि ये इतना टीडियस वर्क होगा, इसमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा कौन सा एक्चुअल जीन हमें इंसर्ट करना है और कौन सा पर्टिकुलर जीन सीक्वेंस एबनॉर्मल हो गया है. क्योंकि अगर हमें पर्टिकुलर जीन सीक्वेंस की एबनॉर्मलिटी नहीं पता होगी तो फिर हम गलत सीक्वेंसेस को पुट कर सकते हैं. इज इट क्लियर? तो इस टेक्निक में बस यही एक प्रॉब्लम है. इस टेक्निक की प्रॉब्लम यही है कि अर्ली चाइल्डहुड में या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के ड्यूरेशन में पता चले. दूसरी चीज, ये तो पहली चीज हो गई, दूसरी चीज हमें ये बहुत ही अच्छे से पता चलना चाहिए कि जो जीन सीक्वेंस यहां पे प्रॉब्लमेटिक है, एक्चुअल में वो जो प्रॉब्लमेटिक जीन सीक्वेंस है उसके लिए जो हम जीन इंसर्ट कर रहे हैं वो सही जीन है. तीसरी चीज, वो जो एक्चुअल जीन प्रॉब्लमेटिक है वो और भी किसी लोकेशन पे, मल्टीपल जगह पे तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है. तो ये हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा, किसी भी नॉन फंक्शनल जीन को हटा के वहाँ पे एक जीन सीक्वेंस रखना जो कि फंक्शनल हो, बॉडी में जाके भी फंक्शनल रहे. ऐसा ना हो कि बाहर तो फंक्शनल है लेकिन बॉडी में जाने के बाद फंक्शनल नहीं है. और ऐसा पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल हो सकता है. तो हमें ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो हमारी जीन थेरेपी जो है वो क्या हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी
फेल, और हम नहीं चाहते कि हमारी ये थेरेपी कभी भी फेल हो। आगे बढ़ते हैं। अब ये अगर जीन थेरेपी आया है तो कभी ना कभी तो किया हो गया होगा। तो जी हाँ, 1990 में पहली बार क्लिनिकल ट्रायल इसका किया गया था। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवेन इन 1990 में टू अ 4-year-old गर्ल। और इसको जिस प्रॉब्लम के लिए दिया गया था, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस ईयर में दिया गया, ये तो है, 4-year-old गर्ल है, ये भी ठीक है। किस लिए दिया गया था, ADA, ये आपको याद रखना पड़ेगा। पहली जीन थेरेपी किस क्योर करने जो दी गई थी, क्लिनिकल जीन थेरेपी का यूज़ किया गया था, किस डिजीज़ के लिए किया गया था या किस प्रॉब्लम के लिए, दिस इज एडिनोसिन डी एमिनेस डेफिशियंसी। एडिनोसिन डी एमिनेस डेफिशियंसी, ADA, इज इट क्लियर। दिस एंजाइम इज क्रूशल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन, इज इट क्लियर। दिस एंजाइम इज क्रूशल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। तो इम्यून सिस्टम के EGC ऐसे बहुत सारे सीक्वेंसेस बने हैं, किसी तरह से म्यूटेशन हो जाए और ये जो टी है इसकी जगह ए हो जाए, ये जो जी है इसकी जगह भी ए हो जाए। ये जीन है, यानी पर्टिकुलर जो जीन है जो एडेनोसिन डीएमएनएस को बनाती है, वो गायब ही हो जाती है ऑल टुगेदर। उसमें म्यूटेशन के बजाय वो क्या हो जाते हैं, पर्टिकुलरली डिलीट हो जाते हैं, पूरी तरह से गायब, वो सीक्वेंस ही गायब हो गया। अब अगर वो सीक्वेंस गायब हो गए ह्यूमन बॉडी में, तो ह्यूमन बॉडी में ADA बनेगा नहीं, ADA बनेगा नहीं तो डेफिशिएंसी होगी, प्रॉब्लम होगा। तो हमें क्या करना है कि इस जीन को बाहर से उस बॉडी के अंदर इंसर्ट करना है, और ये लगातार करते रहना होगा तब तक जब तक कि बॉडी को जिंदा रखना है या बॉडी खुद उसे बनाना शुरू ना कर दे। और ये चमत्कार तो तभी होगा जब नेचुरली बॉडी में वो जीन प्रेजेंट हो जाए। सो दिस इज अ वेरी टफ टास्क। अभी भी इसका प्रैक्टिकल फॉर्म फॉर्मेट सही से आना अभी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हालांकि ट्रायल्स लगातार चल रहे हैं, है ना। इन सम चिल्ड्रन ADA डेफिशियंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन। भाई बोन मेरो में ऐसा चेंज करिए, बोन मेरो मतलब जहाँ पे खून बनता है, हड्डियों के बीच की जगह होती है ना, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन से बनता है। लेकिन फिर वही है कि वो ट्रांसप्लांटेशन भी सक्सेसफुल होना चाहिए। कई बार क्या है, हिस्टोकंपैटिबिलिटी इम्यून रिस्पॉन्सेज ऐसे होते हैं कि ट्रांसप्लांट होने के बाद भी सही से काम नहीं करते हैं। तो ये इंश्योर करना पड़ेगा, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो जीन ट्रांसफ़र हुआ है वो सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, इज इट क्लियर। इन अदर्स इट कैन बी ट्रीटेड, कुछ बच्चों में तो ट्रांसप्लांट कर दिया, बट इन अदर्स इट कैन बी ट्रीटेड बाई एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। और उसमें क्या, डायरेक्ट एडेनोसिन डीएमएनएस एंजाइम को ही पुट कर दीजिए जिससे कि वो ठीक हो जाए। ओके, इन विच फंक्शनल ADA इज गिवेन। तो एंजाइम थेरेपी में क्या करेंगे, फंक्शनल ADA सीधे पेशेंट को इंजेक्शन के थ्रू दे देंगे। बट द प्रॉब्लम विद बोथ ऑफ दीज अप्रोचेस, दोनों ही तरीकों में क्या है, चाहे वो रिप्लेसमेंट वाला हो और चाहे वो एंजाइम वाला हो, मतलब कि बोन मेरो ट्रांसप्लांट हो या एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी हो, दोनों में क्या प्रॉब्लम है, दे आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव। क्योंकि जीन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो जीन डिलीट हो गई है, वो जीन प्रेजेंट होना चाहिए। अब भाई जीन ही नहीं है तो कितनी देर तक ये काम कर सकते हैं, जब तक पीछे से बैकअप मिलता रहेगा, बैकअप फिनिश, फंक्शन फिनिश। सो सबसे बड़ी प्रायोरिटी या सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें जीन कहीं से मिल जाए, वो जो पर्टिकुलर जीन होता है, वो सीक्वेंस होता है, वो हमें मिल जाए। अगर वो जीन मिलता है तो फिर हमें ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, वो डायरेक्टली फंक्शन करने लग सकता है। स्टिल ये तभी पॉसिबल है जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय इसको चेक किया जाए और इसका सही सही समझ में डॉक्टर्स को इसको एनालाइज कर पाएँ, समझ पाएँ। लेकिन नॉर्मली जो MBBS या MS करते हैं वो ये सीक्वेंसेस नहीं समझ पाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना, वो डिजीज एंड क्योर्स एंड मेथड्स पढ़ सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं, मेडिसिन पढ़ सकते हैं, सीक्वेंसेस पढ़ने के लिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स होते हैं, वो अलग से काम करते हैं। ज़रूरत ये है कि ये मिल के काम करें, है ना।
कोई एक डॉक्टर बायोइनफॉर्मेटिक्स अगर पढ़ने लगेगा तो वो अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, तो ज़रूरत क्या है, उसको अपने प्रैक्टिस करने दीजिए। जो नॉर्मल MBBS MS हैं वो अपने प्रैक्टिस करें, साथ में एक बहुत ही अच्छा बायोइनफॉर्मेटिशियन रखा जाए जो इन सिक्वेंसेस को पढ़े समझे, उसमें वो एक्सपर्ट हो, उसको जीन सिक्वेंसेस से रिलेटेड क्लिनिकल अप्रोचेस को वो बता पाए समझा पाए। तो ये सब मिल के करने वाले काम हैं, अकेला कोई नहीं कर सकता। As a first step towards gene therapy, lymphocytes from the blood of the patient are grown into a culture outside the body. इसको जिसको कि हम कहते हैं in vitro, इस method को हम क्या कहते हैं, in vitro development। तो पहले तो हम cell को बाहर रखेंगे, पहला step gene therapy में क्या करेंगे, lymphocyte होगी, lymphocyte को निकालिए। आप जानते हैं lymphocyte, erythrocyte and थ्रोम्बोसाइट। तो लिम्फोसाइट का मतलब साधारण भाषा में कहें तो वाइट ब्लड सेल्स WBC। लिम्फोसाइट को इन विट्रो मीडियम में रखिए, उसको ग्रो कराइए। अब फंक्शनल ADA cDNA, मतलब वो जीन, cDNA का मतलब कि एक आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री DNA होगा, लेकिन ये किसके लिए होगा, ये एक छोटा सीक्वेंस होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम के सीक्वेंस प्रेजेंट होंगे और कुछ नहीं, यानी वो जीन पोर्शन जिससे कि एडिनोसिन डीएमिनेज बन सकता है, ठीक है। तो एक फंक्शनल ADA cDNA जो कॉपी होगी एक डीएनए की जो कहीं से हमने ली है, यूजिंग अ रेट्रोवायरल वेक्टर इज देन इंट्रोड्यूस्ड इनटू दीज लिम्फोसाइट्स, ठीक। ये हमारे पास एक कल्चर मीडियम है जहाँ पे हमने WBC निकाल के रखा है, इसे WBC में एक रेट्रोवायरल वेक्टर को डाल दिया हमने। रेट्रोवायरल वेक्टर यानी ऐसे वेक्टर जो किसी रेट्रोवायरस से लिए गए हैं। रेट्रोवायरस ऐसे वायरस होते हैं जो RNA से DNA बनाते हैं और फिर वो इन्फेक्शन करते हैं, RNA से DNA बनाते हैं और फिर कंट्रोल कर लेते हैं उस बॉडी को या सेल को, और फिर वहाँ पर अपनी कॉपीज तैयार करना शुरू करते हैं। ये समझ में आ रहा है, जैसे HIV एक रिट्रोवायरस है। तो यहाँ पे रिट्रोवायरल वेक्टर का यूज करके लिम्फोसाइट के अंदर फंक्शनल ADA cDNA को हमने इंट्रोड्यूस किया, विच आर सबसिक्वेंटली रिटर्न्ड टू द पेशेंट। और जब इसमें रिट्रोवायरल DNA जो रिट्रोवायरल वेक्टर है वो ADA cDNA को जब पूरी तरह से अंदर डाल दे, किस में, लिम्फोसाइट्स में, है ना, आप कह सकते हैं आप लिम्फोसाइट्स, ठीक, तो या ल्यूकोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट नॉर्मली उसी ल्यूकोसाइट का एक पार्ट होता है, समझ लीजिए WBC का एक पार्ट होता है। अब ये लिम्फोसाइट वापस हम कहाँ डाल दें, इन विट्रो ग्रो होने के बाद वापस ह्यूमन की बॉडी में डाल दें। मैं अब भाई, क्योंकि इसमें क्या हो गया, इसमें एक cDNA है जो ADA का और वो फंक्शनल है, तो इसको हम क्या करेंगे, वापस बॉडी में डाल देंगे। अब पेशेंट की बॉडी में जब इसको डालेंगे, पेशेंट में क्या होगा कि अब इसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होने स्टार्ट होगा, किसका, जो फंक्शनल ADA cDNA है। अब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा तो उससे ADA बन जाएगा ट्रांसलेशन के बाद फाइनली, है ना। जब ADA बनेगा तो प्रॉब्लम सही होगी और हमारी जो बॉडी की फंक्शनैलिटी है वो नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी। फिर से क्या प्रॉब्लम आ गई, अगर इतना अच्छा है तो शुरू किया जाए इसको, नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम फिर से है। क्या प्रॉब्लम है समझते हैं, प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि एक्चुअल में ठीक है जो भी हो रहा है सब अच्छा है, बढ़िया है, दी बेस्ट। प्रॉब्लम ये है कि ये जब क्या बोलते हैं ADA का cDNA जो कि फंक्शनल cDNA है, जब रिट्रोवायरल वेक्टर के थ्रू यूज करके हम उसको लिम्फोसाइट में डालते हैं तब तक अच्छा है, सही है, इस मीडियम में ग्रो हो रहा है, बहुत अच्छा है। लेकिन जब लिम्फोसाइट के अंदर cDNA आ जाता है फंक्शनल ADA का और जब उसको दोबारा हम पेशेंट में डालते हैं तो हमें चेक करना पड़ता है कि क्या वो सही फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पे है, कई बार ये सही फंक्शन करता है और कई बार नहीं करता है। तो इसी को लेकर के अभी बहुत सारे और रिसर्च कंटिन्यूटी में हैं और चल रहे हैं और ज़रूर इसका कोई अच्छा इलाज मिल जाएगा। और मेरे जितने फ्यूचर साइंटिस्ट मुझे देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस पे काम करिए मानवता की भलाई के लिए। ओके डियर यंग साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स, ओके। हाउ एवर,
एज दीज सेल्स आर नॉट इमॉर्टल, यानी इनको मरना ही है ना, ये ऐसा तो है नहीं कि इमॉर्टल हैं, है ना, दे आर नॉट इमॉर्टल। अगर इमॉर्टल होते तो कोई बात नहीं, एक बार दे दो लाइफ टाइम बना रहेगा, इमॉर्टल है नहीं, 6 से 7 दिन में इनकी डेथ हो जानी है। यानी ये ऐसा ग्रुप ऑफ सेल रखना पड़ेगा जो हर 4th-5th दिन इंजेक्ट करते रहना पड़ेगा ताकि ये बनाते रहें ADA एंजाइम को। इज इट क्लियर? ओके, सो द पेशेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स। बिल्कुल इंसुलिन की तरह इसे हर बार इंजेक्ट करते रहना पड़ेगा। हाउ एवर इफ द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द बोन मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग ADA इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, फिर से वही बात है, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, इट कुड बी अ परमानेंट क्योर। बार बार वही शब्द है, अर्ली एम्ब्रियोनिक। तो अर्ली एम्ब्रियोनिक इसीलिए, दैट्स वाई, दिस इज द रीजन कि आज एम्ब्रियो जो डेवलप होता है उसकी DNA के सीक्वेंस की चेकिंग लगातार की जाती है, प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, अच्छे से डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, और इस तरह से बड़े जेनेटिक प्रॉब्लम को भी, जिसके के लिए हमने इंजीनियरिंग की हुई है, ऑलरेडी जेनेटिक इंजीनियरिंग करके रखी है, उसको तो हम सही कर ही सकते हैं। हालांकि 100% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अभी नहीं पॉसिबल है क्योंकि अभी उस पर बहुत सारा काम बाकी है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स कॉमन है, जिन पे बहुत काम हो चुका है, अगर वो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में पता कर लिए जाते हैं तो इसका एक परमानेंट क्योर किया जा सकता है। ये डिस्कशन आपके अच्छे से समझ में आ गया, जीन थेरेपी। ओके, अब ये जीन थेरेपी से रिलेटेड फिगर हैं जिसको कि आप देख के समझ सकते हो। ये है थेरेपेटिक ट्रांसजीन, ये टारगेट सेल है जिसके अंदर हमने ट्रांसफर कर दिया, है ना। अब ट्रांसफर करने के बाद इसने केमिकल्स बनाने शुरू किए, जैसे कि इस केस में क्या है, इस केस में आप पढ़ रहे हो ना, इन दिस केस व्हाट, ADA, है ना। इस केस में क्या है अपने पास, इस केस में अपने पास ADA है। तो ये जो ट्रांस जीन है जिसको कि हमने चेंज किया है, इसको हमने ट्रांसफर किया और फिर बदले में इसने हमारे लिए डिजायर्ड प्रोडक्ट बना के दिया बाहर से किसी तरह से। अगर अपनी बॉडी में हम ऐसे जीन सीक्वेंसेस को डाल दें जिनसे कि बीटा थैलेसीमिया को क्योर किया जा सके, है ना, और कोशिश करेंगे कि वो बोन मैरो वाली पोजीशन पे जाए, क्योंकि अगर वहां जाता है तो फंक्शनैलिटी बहुत अच्छी होगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा सा चार्ट पेपर है, जिससे एक डायग्राम है जिससे बताने की कोशिश की गई कि कैसे किस किस रिएजेंट का हम यूज़ करते हैं और किस तरह से जीन को हम वायरस की, यहाँ पे भी क्या है, ये वायरस ही तो है, एक रेट्रो वायरस है जिसमें हम HBB ट्रांसजीन्स का प्रयोग कर रहे हैं, ये देखिए छोटे सीक्वेंस में, है ना, और इसको किसी तरह से हम बॉडी के अंदर एंटर कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक बार ये हमारी बॉडी में एंटर करता है तो आराम से ये धीरे धीरे RBCs के साथ मिलेगा और बॉडी में जाएगा, फिर बोन मैरोज पे लॉन्ग टर्म में ये मिल करके एक्टिवेट होके काम करना शुरू करेगा और थैलेसीमिया से मुक्ति दिलाएगा इस बच्चे को। ये बहुत अच्छा मेजरमेंट हो सकता है, कब, जब अर्ली स्टेजेस में पता चले। लेटर स्टेजेस में आप सिर्फ इसका यूज कर सकते हैं, ये कितना फंक्शन करेगा कितना नहीं करेगा ये उस टाइम डिपेंड करता है कि कितना ये इफेक्टिव हो रहा है बॉडी में, बॉडी इसको कितना अडॉप्ट कर रही है और कितना नहीं कर रही है। नाउ द नेक्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, मतलब कि ये भी एक बहुत ही अच्छा चलते हैं वरदान है बायोटेक्नोलॉजी का, कि आज हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कर पा रहे हैं, है ना। अच्छा, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस सुन के क्या दिमाग में आता होगा आपके, कि कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिसको हम पहचान लेंगे। हाँ, कुछ ऐसा ही, कुछ मॉलिक्यूल्स, देर आर सम केमिकल बायो मॉलिक्यूल्स जिसकी मदद से कुछ सर्टन दूसरे मॉलिक्यूल्स का आइडेंटिफिकेशन हम कर पाए। सो दिस इज व्हाट सिंपली, दिस इज सिंपली मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जिसमें सबसे ज्यादा अच्छा यूज किस काम करते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का,
पीसीआर टेक्नोलॉजी का। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टेक्निक है आज के पूरे वर्ल्ड में, वो है एलिसा टेक्निक। तो बायोटेक्नोलॉजी ने कभी किसी का साथ छोड़ा नहीं और इसने हमेशा से काम किया, एलिसा टेक्नोलॉजी। तो ये कुछ ऐसी प्योर टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम मॉलिक्यूल्स को डायग्नोज कर सकते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हैं, उनको हम पहचान सकते हैं, उनका पहचान कर सकते हैं, उनको टाइम से पहचान के उसके लिए क्यूरेटिव मेजर्स ले सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द प्रेजेंस ऑफ अ पैथोजन लाइक बैक्टीरिया, वायरस या जो भी प्रेजेंट हो, ऐसा नहीं कि केवल यही पैथोजन हो सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ अ पैथोजन इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पैथोजन हैज प्रोड्यूस्ड अ डिजीज सिम्टम। अगर बीमारी के लक्षण होंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारे बॉडी में कोई किसी ने हमला कर दिया, कोई अटैक कर रहा है। बीमारी के लक्षण ही नहीं है, जैसे कि HIV के केस में होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV। जब ये वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है, कोई लक्षण नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, किसी को परेशान नहीं करता, कुछ भी पता नहीं चलेगा आपको, मतलब कि कुछ पता ही नहीं चलेगा, बस अब इतना ही समझ लो। कुछ पता नहीं चलेगा मतलब सच में कुछ नहीं पता चलने वाला। तो अब पता ही नहीं चलेगा तो आदमी कैसे दवाई लेगा किसी चीज की। तो जब ये अपने नंबर्स को इतना ज्यादा प्रोलिफरेट करता है, इतना बढ़ा लेता है कि पूरी बॉडी के लगभग हर सेल को कैप्चर कर चुका होता है, उसके बाद सिम्टम्स दिखने शुरू होते हैं। और ये ड्यूरेशन 6 महीना भी हो सकता है, 6 मंथ भी हो सकते हैं, मोर देन 6 मंथ, इवन कभी कभी तो 5 ईयर्स 6 ईयर्स तक हो सकते हैं। जितना लॉन्ग ड्यूरेशन ये बॉडी में रहेगा, उतना ज़्यादा नुकसान कर चुका होगा बॉडी का। फाइनली ये AIDS एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कॉज करने में सफल हो जाता है। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस इस HIV मॉलिक्यूल को पता लगाने में मदद करेगा, और वो भी तब जबकि ये अपना कोई सिम्टम ना दिखाए, यानी हमारी बॉडी में आ गया तो छुप नहीं सकता, है ना। क्या समझे, ऐसा नहीं कि आ गया है बीमारी नहीं कर रहा तो पता नहीं चलेगा। इसीलिए मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का यूज़ किया जाता है। तो यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, हर जगह लिखने को आता है, है ना, और हर जगह इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाय दिस टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ द पैथोजन इज ऑलरेडी वेरी हाई इन द बॉडी। किस टाइम तक, जब पैथोजन हमारी बॉडी में आता है और जब डिजीज करता है, उसके बीच का जो टाइम है ना, क्योंकि भाई जब आया तो उसने कोई लक्षण ही नहीं दिखाया, लेकिन 6 महीने साल भर के बाद उसके लक्षण दिख रहे हैं, तब तक तो उसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया है। हाउ एवर वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया और वायरस कैन बी डिटेक्टेड बाई एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड बाई PCR टेक्निक, है ना। PCR तकनीक का प्रयोग करके छोटे से छोटे अमाउंट का कई गुना 1 बिलियन टाइम्स हम करा सकते हैं, और 1 बिलियन टाइम्स जब इसका प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, जब ये बन जाएगा, तो PCR इज नाउ रूटीनली यूज्ड टू डिटेक्ट HIV इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट्स। तो ये जो सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट हैं, ये ऐसा कहना ज़रूरी नहीं है कि सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट में हो, ये एक नॉर्मल रूटीन प्रोसेस भी हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने इम्प्लॉयज़ का नॉर्मली कराती है, हर 6 महीने पे एक रूटीन चेकअप कराती है, एलिसा टेस्ट एंड PCR वगैरह। इससे किसी भी तरह की कोई भी डिजीज़, केवल HIV ही क्यों, कोई भी ऐसा पैथोजन जो कि नॉर्मली पड़ा हुआ है, जो कि बाद में कभी प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, उसके छोटे से छोटे न्यूक्लियस में 1 बिलियन कॉपीज मिल जाएंगे PCR की वजह से, और फिर उससे हमें पता चल पाएगा कि ये फलाना फलाना फलाना, यानी ABCXYZ, ये वाले हमारे पैथोजेंस ऑलरेडी पड़े हुए हैं, अभी बीमारी कर नहीं रहे, पर ये बहुत जल्दी करने वाले, क्योंकि हैं तो करेंगे ही, पैथोजेंस हैं तो उनके सिम्टम्स या डिजीज़ कभी न कभी उनसे बनेगा ही, दिखेगा ही। ये समझ में आ गया आपको, है ना। तो HIV के लिए एक बहुत ही सिंपल सा
एक और टेक्निक यूज करते हैं, एलईजेड। कौन सा टेस्ट? ELISA, ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इट इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशंस इन जीन्स इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट्स टू। देखा, कैंसर केवल ऐसा नहीं कि HIV के केस में, एड्स के केस में, ये कैंसर के केस में, किसी भी केस में हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इट इज अ पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मेनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक, अ सिंगल स्ट्रैंडेड DNA और RNA टैग्ड विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, जिसको कि हम कहते हैं प्रोब, यानी छानबीन करने वाला मॉलिक्यूल, जो कि रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल होगा, है ना। एक सिंगल स्ट्रैंडेड DNA या RNA होगा जिसको रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ हम जोड़ देते हैं। नाउ इट इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री DNA इन अ क्लोन ऑफ सेल, फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। और इस तरह से हम पता लगाते हैं कि कौन कौन से और DNA या RNA प्रेजेंट हैं इस टेक्निक में। ये मॉलिकुलर मेथड है ना, तो मॉलिकुलर मेथड में हम कैसे पता लगाएंगे भाई कि कोई DNA या RNA है? तो DNA या RNA के बहुत सारे सिंगल स्ट्रैंड हम बना के रखेंगे, जिसमें रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को प्रोब की तरह लगा देंगे, हाइब्रिडाइज होने देंगे कॉम्प्लीमेंट्री DNA से, और जैसे ही DNA के साथ ये किसी DNA या RNA के साथ ये हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लेंगे, तब इसका हम क्या करेंगे, एम्पलीफिकेशन करा देंगे। एम्पलीफिकेशन करा के इसका ऑटो रेडियोग्राफी करा देंगे, हमें पता चल जाएगा कौन कौन सा सीक्वेंस है। और हमारे पास ऑलरेडी HIV कह लीजिए या और भी अदर क्या होते हैं सीक्वेंसेस हैं, जिसको कि हमने पहले से लिख के रखा है, यानी हमारे कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में सेव है, तुरंत वो बताएगा आपका मॉनिटर पर, डिस्प्ले होगा कि यस इसमें एक प्रॉब्लम है। जैसे कि ELISA रीडर करके मॉलिकुलर सॉफ्टवेयर है, जैसे उसमें आप क्या होते हैं सीक्वेंसेस को डालेंगे, तुरंत वो सारे सीक्वेंसेस ऑन हो जाएंगे, बताएगा कि यस ये HIV का है, ये इसका है, ये इसका है, ये कैंसर का है, ये नॉर्मल ह्यूमन सेल से अलग है। तो इस तरह से आप बहुत सारे सीक्वेंसेस बता पाएंगे इस मेथड से, मॉलिकुलर मेथड से। द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल हेंस नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंटरिटी विद द म्यूटेटेड जीन्स, है ना। नॉर्मली जिन जीन में म्यूटेशन हो गया, अब भाई उसके साथ तो कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड बनाएगा नहीं, लेकिन जिसमें नहीं हुआ उसके साथ बना लेगा। तो अगर कैंसर के केस में, कैंसर के केस में म्यूटेशन हो गया या किसी और, कोई और म्यूटेटेड है केस है, तो वहां पे भी जो हम प्रोब बनाएंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाएगा, और जहां पे प्रोब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन शो कर रहा है वो नॉर्मल सेल्स हैं। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा, पकड़ में आ जाता है। इसी तरह से ELISA कर रहे हैं। ELISA इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। किस तरह से एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शंस होता है। इन्फेक्शंस बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट द पैथोजन। और इस तरह से हमें पता चल जाता है कि वहां पे इस एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन से हमें पता चल जाता है कि वहां पे वो फॉरेन जीन प्रोडक्ट्स प्रेजेंट हैं या नहीं है, और पैथोजन के बारे में भी आराम से हम पता लगा पाते हैं। तो यहां पे ELISA रियल टाइम में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वर्क करता है। एंटीजन, दिस इज द एंटीजन प्रेजेंट इन द मीडियम, और यहां से एक रेडीमेड लेबल्ड हम एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को इंसर्ट करते हैं इस मीडियम में, और वो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज कहां कहां पे जाके अपना अटैचमेंट शो कर रहे हैं, आप इसको देख पा रहे हो। जहां भी ये अटैच्ड हो रहे हैं वहां पे इंटरेक्शन होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होगा, और ये अपने आप को शो कर पाएंगे। देखिए यहां पे यस डिटेक्शन कर रहे हैं। तो ये एक रियल टाइम एक छोटा सा एनिमेशन है, जैसे कि डिटेक्शन किया जाता है, पता लगाया जाता है, एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरेक्शन को चेक करते हैं, और ये एंजाइम लिंक्ड है तो ये आसानी से वहां पे जाके कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, फंक्शनल होते ही ये डिटेक्ट कर पाएंगे, और इससे हम पता लगा पाएंगे कि यहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं जो कि यहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हैं, या नहीं है तो एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। आई थिंक आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, और
जहाँ भी अगर दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। गॉड ब्लेस यू, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।